अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे खुद वो दवा हाथ में लाकर देनी चाहिए थी तुझे। क्या कर दिया तूने दालचीनी, क्या कर दिया? गलती हो गई? अरे इसे भी तो पढ़ना चाहिए था, दिखाई नहीं देता। साफ साफ बोतल पे लिखा है इसमें शराब है। अरे मैडम जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना। पढ़ना लिखना नहीं आता और दिमाग इतना तेज कि शराब पीकर कीर्तन में आ गई। अरे बहन जी, उसने जानबूझ के थोड़ी ना पी है शराब। वो बोल तो रही है ना, उससे गलती हो गई है। और वैसे भी वो सच बोल रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। अगर गलती हुई है तो उसकी सजा भी होती है। इस घर में कीर्तन नहीं होगा। माता रानी की मूर्ति उठाओ और चलो यहाँ से। मेरी कल सुनो, ऐसे मत जाओ। माता रानी का अपमान करने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बच्ची है वो, उसको नहीं पता था, गलती हो गई उससे। देखो, जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना। और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे। अब समझ आएगा राजरानी आंटी जी की कला से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बहन जी, एक मौका दे दो, ऐसे मत करो आप। एक, सिर्फ एक मौका मांग रही हूँ। बच्ची है वो, माफ कर दो। माफ? अपने जिद की वजह से तुमने जो ये हरकत की है ना, उसका तो सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। उठिया मम्मी, क्या कर रही हैं आप? आप ऐसे घुटनों पे बैठकर इनके सामने हाथ क्यों छोड़ रही हैं? बेटा, गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो। क्या गलती हो गई है? तेज एक मासूम, क्या हुआ कि इसने गलती से ना शराब पी लिया और ये सब ना माता की मूर्ति लेके जाने की बातें कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी मॉम की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब गलती दालचीनी से हुई है तो उसकी सजा मेरी मॉम क्यों भुगते? और आप लोग कैसे हैं? जब आपको पता है कि गलती किसी और से हुई है तो उसकी सजा किसी और को कैसे दे सकती हैं आप? अरे मेरी मॉम से तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो आप लोगों से माफी मांग रही है। मेरी मॉम ने बहुत शिद्दत से माता की चौकी रखी आज। उनसे माता की पूजा करने का हक छीनने वाले आप लोग होते कौन है ये बताइए। माता रानी के भक्त हैं हम, और माता रानी के सिखाए हुए धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। माना तुम्हारी बीवी अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी माँ तो समझदारी से काम ले सकती थी। आज माता रानी के कीर्तन के दिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? और नहीं तो क्या, घर की बड़ी औरत का फर्ज होता है घर के रीति रिवाजों का पालन करे। अगर गलती आपकी बहू से हुई है ना, तो साफ जाहिर है कि राज रानी जी भी अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाई। बस, और ऐसे अशुभ घर में अब हम माता रानी को नहीं रहने देंगे। चलो बहनों। बहन जी कल तो सुनो मेरी। Swaha, that's how it grew, but in the end, I'll go there, but sadly, my heat.
नहीं, ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतना समझो कि बातों का बुरा मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपने माता की चौकी इतनी शिद्दत से रखी, माता तक आपके इमोशंस पहुंच गए हैं, डोंट वरी, पर मॉम प्लीज आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप किसी के भी पैरों में नहीं गिरोगे। चलो प्रॉमिस मी मॉम। मेरी वजह से माता रानी और मम्मी जी की इज्जत पे बात आ गई। मैं दोनों माओं की इज्जत वापस ला कर रहूंगी। ये तो बस शुरुआत है, तू देखती जा कि मैं किस हद तक जाती हूँ तेज को पाने के लिए। मेरी बात तो सुनिए सर जी, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए था कि वो दवाई कौन सी है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना, मैं कह रही हूँ आपसे सर जी। आपको डांटना है ना तो आप डांट लीजिए, ऐसे खामोश मत रहिए, मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई। मैंने वो शीशी पढ़ने की भी कोशिश की थी, मम्मी जी ने जितना सिखाया ना उतना वो ए बी उसके बाद में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और पूजा के लिए देरी भी हो रही थी तो मैंने वो दवाई समझकर बहुत जल्दी जल्दी पी लिया। आप मेरी बात सुन रहे हो ना सर जी, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दालचीनी मेरे रास्ते से हटो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा, मेरे रास्ते से हटो। क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए, आपकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी मुश्किल से तुम्हारा और मॉम का रिश्ता ठीक हो रहा था, पर तुमसे इतना सा भी ध्यान नहीं रखा गया, एक छोटी सी चीज को भी तुम अच्छे से कैरी नहीं कर पाई। देखो हर गलती की माफी हो सकती है, लेकिन ये गलती मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को किसी के पैरों में गिरना पड़ा, देखा तुमने? और ये पहली बार नहीं हुआ है जो तुम्हारी वजह से इस परिवार की इज्जत पर आंच आई है। नहीं मालकिन, हमने कली जी को शराब नहीं दी और हम भला क्यों देंगे? क्योंकि तुम जलती हो कली से, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्यम जैसा पति नहीं है ना, वो जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आती है। आज हम तुमसे सच उगलवा कर रहेंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। पर आज, आज हमारे घर से कोई माता की मूर्ति वापस लेकर चला गया, जो आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ। इससे तुम्हारी ये गलती तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। बात तो सुन लीजिए, मैंने जानकर नहीं किया है। हटो। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।